ये काफी ज्यादा डेंजर है। ये क्यों डेंजर है? कभी तक कुछ पता नहीं लगे यार नौशाद। आपको बता दो ना, ये बाज जो है नौशाद जी, कितनी प्यारी यहाँ पर जो है ना खुशबू है, माशाल्लाह खुशबू है काफी, माशाल्लाह सुभान। लेकिन हमजा भाई इसमें एक थोड़ा आहिस्ता ये हुआ था, यहाँ पे सैलाब आया था। हाँ ये मैं बताने वाला था, मैं इसकी पहले आपको कबर मुबारक दिखा दूँ। नहीं अस्सलाम वालेकुम गाइस, एज यू नो आई एम हमजा मुकद्दस, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जनाब आज हम आए हैं अकोड़ा खटक, तो अकोड़ा खटक में हम आपको एक बहुत ही शानदार प्लेस पे लेके जाने वाले हैं, बहुत ही शानदार एक ज्यारत है, ठीक है, एक मज़ार है। मज़ार किसका ये आपको जब आगे जाएंगे तो आपको पता लगेगा, ठीक है। तो ये मेरे साथ वीडियो और काफ़ी ज़्यादा शानदार एक हिस्टोरिकल प्लेस है जो कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को नहीं पता, लेकिन आई विल बी द शो एंड मैं आपको डिटेल भी बताने वाला हूँ, ठीक है। अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ये मोहल्ला रिसालगढ़, तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे नीचे की तरफ। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं, ठीक है, अभी हम फौड़ बाज़ार में हैं और मेरे साथ जो है ना, किधर गए हो नौशाद? नौशाद भाई आप कश्मीर से आ गए घूम के, अल्हम्दुलिल्लाह। आप क्या कहना चाहोगे कश्मीर के बारे में? कश्मीर तो बहुत खूबसूरत एरिया है, आप सबको ये गुजारिश है कि आप वहाँ पे ट्रेवल करें। बहुत जनाब चलते हैं हम एक ये रास्ता रहते हैं और नौशाद भाई आपसे कुछ कहना चाहते हैं। नौशाद भाई आप कश्मीर से आ गए घूम के, आप क्या कहना चाहोगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त एरिया है और मैं माशाल्लाह 5 दिन ट्रेवल करके आया हूँ माशाल्लाह। आप सबसे यही गुजारिश है कि आप सब जाएँ वहाँ पे। तो जनाब अभी हम जा रहे हैं अख्वानुद्दीन बाबा की तरफ, ठीक है जी। ही वॉज द टीचर ऑफ काका साहब, ठीक है, काका साहब का जो टीचर था जी। ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता क्योंकि मकामी जो लोग रहते हैं उनको सिर्फ इसके बारे में पता है। तो इसका एक रास्ता तो वो मिश्री बांडे की तरफ से जो आया हुआ है, एक रास्ता वो है जी और एक रास्ता ये। आप कुछ कहना चाहोगे अख्वानुद्दीन बाबा के बारे में? हाँ, ये काफ़ी लोग आते हैं पंजाब से आते हैं, लेकिन हम यहाँ के रहने वाले हम वहाँ पर जाने बहुत कम जाते हैं, फिर भी हम सबको चाहिए कि हम लोग जाएं ट्रेवल करें, बहुत ज़बरदस्त जगह भी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अभी हम जाएंगे नीचे की तरफ जो कि यह रास्ता बिल्कुल रिवर की तरफ भी गए हुए, ठीक है, और आपसे वहाँ मिलते हैं और साथ साथ मैं आपको अपडेट भी देता हूँ। जी जनाब बोलो। ये नौशाद भाई जी, काका से क्या बात कर रहे हो ना? अरे एक्चुअली मुझे यहाँ के रास्ते ज़्यादा पता नहीं, मैं भी इसी विलेज का हूँ लेकिन इस साइड पर मैं काफ़ी नहीं आया जी। काका साहब नहीं, काका साहब जी, ठीक है, वो स्टूडेंट था इसका, ठीक है, मतलब ये उसका टीचर था, ये उनका टीचर, लेकिन इसके मज़ार के लिए इसलिए लोग नहीं आते क्योंकि एक साइड पे भी ये लगते हैं मुझे ये खुद भी एक खामोश इंसान था, खामोश इंसान था, तो इसलिए और ज़्यादातर लोगों को इसका पता भी नहीं है ये सब। तो अभी हम जिस ये खटक की स्ट्रीट से काफ़ी ज़्यादा खामोश और बहुत ही तंग तंग स्ट्रीट से, ठीक है, तो अभी कौन सी साइड पर जाएँ? तो उसका जो मज़ार है वो भी आप लोग जाएंगे भी, काफ़ी ज़्यादा खामोशी होती है वहाँ पर, इतना बड़ा जो है ना कब्रिस्तान भी नहीं है, सही जैसे अल्लाह ताला ने उसको खामोशी दी ऐसे खामोश इलाका भी दे दिया। हाँ हाँ खामोश इलाका, तो वहाँ मिलते हैं, ठीक है। तो जनाब एक रास्ता ये आया हुआ है, हम तो हेयर स्ट्रीट से आ गए और इसका जो अपना रास्ता है वो साइड पे है, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं, मेरा करीब आ गए जी जी, बहुत तकरीबन करीब आ गए और काफ़ी ज़्यादा खामोश खामोश है, कोई भी नहीं है। ये अभी हम जाएंगे भाई, धूप लग रही है यार, आज गर्मी भी है। आप तो कश्मीर से आ गए, लगती है गर्मी लगती नहीं, है नहीं, अभी सर्दी से आ गए गर्मी लग गई अभी बहुत ज़्यादा महसूस। कश्मीर से आ गए हो तो भाई अभी आपको फील नहीं होगा, अभी हमको कह रहे हैं। तो भाई जनाब ये इसका रास्ता है, ठीक है, इसका जो अपना गूगल मैप में जो रास्ता शो करते हैं ना वो ये रास्ता है, ठीक है, ये सीधा उस साइड से आए हुए और अभी हम अंदर जाएंगे और ये देखिए भाई अख्वानुद्दीन बाबा, ठीक है, ये माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम, ये इसके साथ बिल्कुल छोटा सा कब्र ऑटोमेटिकली जी, छोटा सा कब्रिस्तान और ये माशाल्लाह अख्वानुद्दीन बाबा का मज़ार। अभी हम अंदर जाके आप लोगों को भी शो कराए थे, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। तो शूज़ उतार देते हैं, अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर, अस्सलाम वालेकुम या अहले कबूर, माशाल्लाह। ये देखें भाई नौशाद जी, कितनी प्यारी यहाँ पर जो है ना खुशबू है, माशाल्लाह खुशबू है काफी, माशाल्लाह सुभान। लेकिन हमजा भाई इसमें एक थोड़ा आहिस्ता ये हुआ था, यहाँ पे सैलाब आया था। हाँ ये मैं बताने वाला था, मैं इसकी पहले आपको कबर मुबारक दिखा दूँ। नहीं देखें माशाल्लाह, देखें अच्छा, ये अख्वानुद्दीन बाबा का मज़ार है, ये टीचर था काका साहब का, ठीक है, फातिहा भी कर लेंगे अपने लिए भी कोई इनके सद के, ठीक है।
तो हाँ नौशाद भाई, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी यहाँ पे माशाल्लाह बहुत मतलब ये सबका उस्ताद रह चुका है माशाल्लाह, और शागिद के पास हर कौन जाते लेकिन उस्ताद को हर कौन भूल जाता है, जैसे स्कूल का टीचर। नहीं नहीं, इनके सदके हमें भी अल्लाह जो है नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरी बात ये, 2010 में यहाँ पर सैलाब आया हुआ था, कमाल की बात बताऊँ ये सारा एरिया जो है ना डूब चुका था। अल्लाह के बंदों के जो अल्लाह के औलिया की करामात देखे ना, लोग कहते हैं कि ये कुछ नहीं होते ये जी, तो ये पूरा डूबा हुआ था लेकिन वाहिद इसका ये मेजार था जो बिल्कुल बचा हुआ बचा हुआ था। नौशाद आप लोग तो यहाँ पे गवाह थे, मैं इस बात की गवाह था, नीचे एक घूंट पानी तक नहीं है इसको। ये आपने क्या कहा नौशाद भाई? जी यहाँ पे मतलब ये जब आबादी ताज़ा हो रही थी तो इसको कब्र को हम लोगों ने निकाला था, तो वैसे ही ताज़े कब्र शहीद है माशाल्लाह, तो इन लोगों ने कहा कि ये इसको यहाँ पे रहने दो। अल्लाह हमें भी इनके जैसे नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए, क्योंकि कोशिश करें वो हालात तो अल्लाह हमें इंशाल्लाह तौफीक अता फरमाएगा क्योंकि वो करीम जाते। तो ये देखें यहाँ पर अल्लाह के नाम भी लिखे हुए प्यारे प्यारे, ठीक है? नहीं अल्लाह के नाम नहीं है, अल्लाह के नाम भी और सूरत फातिहा भी लिखे हुए, ठीक है? और साथ में कुछ और ये सामने ये मैं आपको दिखाते हैं यहाँ पे माशाल्लाह ये किसी ने बनाए हुए ये, और यहाँ पर कुरान मजीद है, ठीक है? कोई सबक वगैरह यहाँ आकर नवाफिल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? जाने मास पढ़ेंगे, ठीक है? तो भाई ये था मज़ार। हाँ ये देखे मैंने जैसा आपको कहा था कि इनका जो मज़ार है ना काफ़ी ज़्यादा खामोश है, क्योंकि बस इनको खामोशी पसंद अल्लाह ताला ने उसको खामोशी इलाका दिया। हाँ खामोश इलाका दिया, और इसके सद के अकोड़ा खटक में बहुत रहमत है जो है ना, क्योंकि अकोड़ा खटक बहुत ही फेमस भी इसी की वजह से है, ठीक है? और दूसरी बात यहाँ पर हक्कानियत दारुलूम भी है जी, जिसकी वजह से हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट जो है बहुत जाते हैं, और ये शफा के लिए, ठीक है? नमक नौशाद भैया भी उठाए, ठीक है? ये बाहर छोटा सा कब्रिस्तान, बस इतना नहीं है, बस छोटा सा, ठीक है? तो यूसुफ भाई आप कुछ कहना चाहोगे? यही कहेंगे यार, ये इसका शजर नज़्म नसब लिख वो होगी, देखो शेख तरीन, शेख सरपे, ये शेख आप जैसे आए ना जीएड सेंटर तो सामने ही लगा हुआ है, ठीक है? ये इसका पूरा जो शजर नसब है तो वो यार यहाँ पर जूम करके दिखा, जूम कर देते हैं, देखते हैं कि क्या। हाँ ये आप लोग वेट करें, ठीक है? वीडियो को स्टॉप करें या स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है? तो तुर्क सरजूक से, हाँ उनके नसब से इनका वो ताल्लुक है, जिसने ये जो सीरीज चल रही है जिसने वो देखे तो आसानी से पहचान लेगा। हाँ आसानी से पहचान लेगा। तो ये देखिए भाई इसके शजर नसब, तो अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ, बस हमने जो है ना इसके बाद फिर इनको जो इसका बैक साइड है ना वो दिखाते हैं। चलो जी जनाब चलते हैं। जी जी बिस्मिल्लाह करें। तो जनाब बस अभी हम चलते हैं, ठीक है? ये इनका मज़ार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह से वापसी कर देते हैं, ठीक है? तो इसके साथ छोटा सा कब्रिस्तान, इतना ज़्यादा नहीं है, काफ़ी ज़्यादा खामोश एरिया है, और जैसे ही आप इंटर होंगे ना तो क्या ही आपको यार एक महकूया बहुत शानदार आप आएंगे, आपको एक अलग सी फीलिंग आएगी। तो अभी हम थोड़ा सा आपको जो है ना दरियाए काबल की तरफ ले काबल चलते हैं। हाँ इसका बैक साइड क्या बैक साइड हाँ बैक इसके बैक साइड पर जो है ना दरियाए काबल गुजरा हुआ है, ठीक है? जो कि बहुत ज़्यादा डेंजर है शायद को पता है, क्योंकि जी जी हाँ खूनी दरिया कहते हैं हकोड़ा खटक का, ये जो दरिया है ना जो रिवर है बहुत ही डेंजर है। बस इसका मनाजर आप जो है देख लेना, खुद ही देख लेना, वैसे बस दूर से आप लोग देख सकते हैं, करीब इसके आप लोग नहीं जा सकते, अगर करीब चले गए तो भाई काम ख़राब हो जाएगा। तो ये कहते हैं कि इसमें हर साल तकरीबन 10 बंदे की डेथ होती है इसमें हर साल। हाँ और दूसरी बात ये जो गेस्ट आता है ना, गेस्ट मैंने सुना है जो गेस्ट होते हैं हाँ बाहर से जो आते हैं, बाहर से जो आता है ना, और अगर वो इसमें नहाए या स्विमिंग करे तो भाई उसकी तो बिल्कुल खैर नहीं है, उसको तो जो उसके तो जो कोई अपना जा रहा था तो कह रहे देखो वो आ रहा है, मैंने कहा छोड़ो अपना काम करेगा मैं क्या हाँ जी कर लो आगे फिर देखिए। तो इनकी जो स्ट्रीट्स है ना इधर आए इस साइड से जाएं, नहीं इस साइड से जाते हैं ना इधर ये सब
हिंदू रहते थे उनकी टाइम की ये जो है ना स्ट्रीट से। अभी आपको लगेगा जैसे कि हम लोग इंडिया में आ गए हैं, इंडिया में आ गए हैं। बात ना करो कभी ना। नहीं नहीं, मतलब यहाँ पर ज्यादातर हिंदू लोग कल आए ना उधर से ना। नहीं नहीं, मैंने कहा यहाँ ज्यादातर सिख लोग और हिंदू लोग उस टाइम जब 50-60 साल पीछे की बात कर रहा हूँ ना मैं, उस टाइम की बड़ा टाइम नहीं है। तो ये देखिए भाई ये देखिए मजा नहीं कर। और दूसरी बात ये, मैं एक बात बताता चलूँ ना यूसुफ, ये देखो ये मुझे लग रहा है कि कोई किला वगैरह था किसी टाइम पे। तुम्हें क्या फील होता है? हाँ ये देखो किला, ये देखो ये पीछे स्ट्रीट, ठीक है। ये तो अभी काफ़ी ज़्यादा नई आबादी हो गई है ना, ये इसमें देखते हैं कोई है तो नहीं, कोई नहीं। तो ये हमने कहा थोड़ी सी स्ट्रीट्स भी आपको दिखा दें, वो नीचे बाजार में काफ़ी ज़्यादा पुरानी स्ट्रीट है, काफ़ी ज़्यादा है। हाँ ये किले की तरह ये देखें। चलो यार चलते हैं यहाँ से। अभी हम क्या मैंने कहा कि हाँ, गवर्नमेंट को चाहिए सारी जगह साफ करके ना। हाँ ना यार, इधर एक पार्क सा भी बन सकते हैं, उस साइड से लेकर उस साइड तक कितना रास्ता है, ठीक है। और ये देखिए भाई रिवर काफी ज्यादा ऊपर आके ना चले जाओ, ये कीचड़ ये पानी इधर तक आया हुआ है, ठीक है। और ये काफी ज्यादा डेंजर है, ये क्यों डेंजर है अभी तक कुछ पता नहीं लगे यार। मैं आपको बता दूं ना, ये बाज जो है तो ना बाज रिवर, वो पानी सिर्फ चलता रहता है, इसमें अंदर जो है ना वो इसमें कुएं गोल घूमता है, नीचे कुएं बने हुए हैं ना, बस वो वही हिसाब ले लो, वो अंदर घूमता है तो उसकी वजह से जो बंद। लेकिन एक बात बताऊं, इसका व्यू काफी ज्यादा शानदार है यार, ठीक है। हाँ ये घूमते नजर आ रहे हैं, वो सामने जो पुल है ना वो ब्रिज जो गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए होने से पहले वो हाँ लिफ्ट थी ना, यहाँ पर लिफ्ट थी यहाँ से, वो सामने असर या मगरब तो जिसने जाना होता या इधर चली जाती है उधर, फिर आने को उसका रात का सीन नहीं था। लेकिन अभी इन लोगों ने ये अच्छा काम किया कि ये इस तरह की दीवारें जो है ना बड़ी बड़ी सी बना दी, क्योंकि सैलाब का खतरा भी हुआ करता था। कुछ काम अच्छे यार इमरान खान की हुकूमत में कुछ काम अच्छी हुए थे, लेकिन अभी बेचारा चला गया अभी क्या लॉन्ग मार्च आने वाले। तो चलते हैं, ये था वो इधर का व्यू, ठीक है। और ये सामने मैंने उस साइड पर भी जाएंगे जिससे वो सामने जो मिश्री बांडा है ना, वो सामने जाने अभी नहीं, अभी नहीं, नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो हम उधर। तो जनाब ये था यहाँ का एरिया, ठीक है। और जिससे ये क्या कर रहे हैं, नीचे ना गिर जाओ। तो अभी चलते हैं फिर भाई। तो आई होप कि आप लोगों ने इंजॉय किया जनाब। हाँ, माशाल्लाह। तो अभी आप कुछ कहना चाहोगे कोड़ा खटक के बारे में? आपको ये कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह सब यहाँ पे ट्रेवल करें, आप सब आए माशाल्लाह, अच्छी जगह है, अच्छी जगह है, पिकनिक के लिए भी अच्छी जगह है, काफ़ी खामोशी आपको महसूस हो जाएगा। तो अपना ख्याल रखें, अपनी ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, लाइक करें इंशाल्लाह, लाइक करें, सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह, और आगे शेयर करें इंशाल्लाह। चलो यूसुफ यार भाई हम तो आपके साथ हैं। अपना ख्याल रखें सब।